हिमाचल प्रदेश तीरा तीरा यहाँ पे किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। यहाँ पे घूम रहा है, घूम भी रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। इस तरीके की होती थी बन्नी हट। वो बैलगाड़ी और दिखाई दी, एक बैलगाड़ी ये है। ये क्या है यार, इतना मतलब आगे ऐसे बना रखा है ये, क्या निशानेबाजी करते थे ऊपर बैठ के क्या? ये वाला जो घर है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दिया है अभी तक जितने भी घर हमने देखे है ना। सामने आप देख रहे हो, ये है भूतों के राजा, खतरनाक है भाई। मतलब अलग अलग नदियों से लेके आके स्टोन और फिर सेंस लगा के और उस पेंटिंग को बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब लोग कैसे? उम्मीद है आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है 20 तारीख और दिन है सैटरडे का, और मेरे साथ संदीप भी है, ये मेरा दोस्त है संदीप। और हम दोनों जा रहे हैं आज नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम देखने के लिए, और इस समय हमें मेट्रो स्टेशन पे सुप्रीम कोर्ट तो नियर बाय मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर हमें जाना होगा। मेट्रो स्टेशन के पास ही ऑटो मिल गया, और 30 रुपये शेयरिंग में, 100 रुपये पर्सनल अगर लेके जाएंगे। भाई हम लोग ऑटो से पहुँच गए नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम, और ठीक हमारे नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के सामने है पुराना किला। ये है पुराना किला, लेकिन हमें जाना है अंदर, तो अंदर चलते हैं। तो भाई अंदर की एंट्री कुछ इस तरीके की है, और बहुत अच्छा सजा रखा है यहाँ। तो भाई तो इस तरीके से जब आप आओगे तो स्वागत होगा फूलों के साथ। तो जब नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे टिकट काउंटर मिलेगा। टिकट का कोई चार्ज नहीं है, भारतीयों के लिए बिल्कुल फ्री है। और आप अगर एक हिंदी गाइड लेके जाना चाहते हैं तो 60 रुपये का टिकट है, यहाँ पर 60 रुपीज़ लिखा है। और अगर इंग्लिश में अगर आपको कोई गाइड चाहिए तो 100 रुपीज़ का टिकट है, यहाँ पर गाइड मिल जाएगा। हमें सिर्फ एंट्री करनी होगी यहाँ पे। ये संदीप जो है भी एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। शेखावाटी चित्र राजस्थान का, इसमें हाथी वाती दिखाए गए हैं। ये इस तरीके के हाथी दिख रहे हैं भाई, एक हाथी बैठा हुआ है, एक हाथी खड़ा है, और उसके अलावा और ये सब घोड़े वोड़े हैं। और ये क्या है भाई, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। अच्छा ये चक्की है, अच्छा चक्की है, वो भी ऑयल निकालने के लिए, ऑयल प्रेस के लिए, मूंगफली सरसों अथवा ये सब अलसी के बीज वगैरह, तो ये सारी चीजें भाई इस वाली चक्की से निकाली जाती थी। तो यहाँ पे ये दो बैल है, और यहाँ पे चक्की बनी हुई है, इसको चलाते होंगे, तो उसका एक डेमो दिया हुआ है यहाँ पे। सही लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। एक बैलगाड़ी भी दिखाई दे रही है, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियाँ भाई। एक समय पे लोग ना बैलगाड़ी से जाते थे, जैसे हम ऑटो से आगे यहाँ जाए ना, एक सपने में सफ़र किया है हमने उस पर। हमने किया नहीं, अच्छा तुमने किया। अच्छा मैं बैलगाड़ी पर सफ़र कर चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बैलगाड़ी पे सफर करना कितना मजेदार हुआ करता था यार। वो बचपन के दिन कभी मैं भूल नहीं पाता। गांव में, अपने बिहार में पटना के पास मेरा गांव है, तो ये वहाँ पे मैंने बैलगाड़ी की सवारी की थी जब मैं छोटा था, 5-7 साल का था, तब बैलगाड़ी पे जरूर बैठा करता था। तो वो ये है बैलगाड़ी भाई, देखो सामने, ये तो ओपन वाली दिखाई दे रही है, और ये थोड़ी इस तरीके की है कि मतलब इसमें थोड़ा सपोर्ट है बैठने के लिए, है ना? ऐसा ही हुआ करता था मेरे गाँव में, सपोर्ट वाला। वाह यार, और एक यहाँ पे छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, बढ़िया, एक नंबर। तो भाई अभी आपने बैलगाड़ी देखी, अब चल रहे हम हिमाचल प्रदेश तीरा। यहाँ देखिए किसी भी स्टेट में जा सकते हैं यहाँ पे। ये देखो आप दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश, कुल्लू कुटीर, हिमाचल प्रदेश के जो कुटीर होते थे और जो घर होते थे वो इस तरीके के होते थे। तो देखते हैं भाई चल के जरा यहाँ पे। ये देखो भाई हिमाचल प्रदेश का घर आज भी मौजूद है इस तरीके के घर, और थोड़ा डेमो यहाँ भी दिखा रखा है नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में। अगर देखेंगे तो हम यहाँ पे, ये पत्थर है भाई ये, और ये गेट है, यहाँ से रास्ता होगा जाने का, और ऊपर बालकनी। वैसे भी मैं तो उत्तराखंड से भी बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मैं, आपने मेरे ब्लॉग भी देखे होंगे उत्तराखंड के, उत्तराखंड में भी इस तरीके के घर हमने देखे हैं पत्थर के बने हुए, और यहाँ भी देखने को मिल गया है। भाई चाय पीने का मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ घर में कोई है या नहीं है, खटखटा के देख पता करो। हेलो अंकल जी, हेलो राजू,
भाई है, कोई नहीं है भाई, अंकल जी नहीं है, चाय वाय नहीं मिल सकती है, चाय खरीद के पीनी पड़ेगी। अभी चलते हैं और जगह, और स्टेट में, मतलब एक ही जगह से कई सारे स्टेट में आज घूमेंगे हम। 3 मिनट भी नहीं हुए होंगे हम राजस्थान से मनाली, हिमाचल चले गए मनाली, और हम मध्य प्रदेश में एंट्री ले रहे हैं। आ जाओ, ये देखो, ये गोंडा कुटीर, तो इस तरीके के घर, अरे वाह यार, यहाँ तो फूल तरीके के घर होते थे, ये इस तरीके के ऐसे बने हुए पुराने घर ऐसे ही हुआ करते थे, मैंने देखा हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, ऐसी कुंडियां हुआ करती थी, आज के टाइम में इधर लगती है कुंडियां, पहले के जमाने में ऐसे घर तो होते थे और ऐसी कुंडियां होती थी जो यहाँ पे लगाई होती है। भाई चक्कर चला भी सकते हैं, चलाओ चलाओ, कॉटन नहीं है ना मेरे पास, नहीं तो यार ये देखो ये है ना चलाने, इस सुविधाएं सारी है, बस कॉटन होता तो काम हो जाता। घूमता, हाँ घूम रहा है, घूम भी रहा है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत घूम। घरों में हर जगह ऐसे खांचे से बने होते थे, लगभग हर जगह सारे बने तो हैं इसमें, इनका पर्पस ये होता था कि यहाँ पे दिए वगैरह जलते थे उस टाइम पे, तो ये कि पहले लाइट होती नहीं थी, तो इस जगह पे दिए जला देते थे, तो वो आंगन में उजाला वगैरह हो जाता था, और घर के अंदर का तो यार अगर जाने देते तो और अच्छा लगता अंदर भी, लेकिन लॉक्ड है, कोई नहीं, अब आगे चलते हैं। अब पश्चिम बंगाल हम पहुंच गए हैं, और पश्चिम बंगाल पहुंचते ही सबसे पहले याद आती है क्या, दुर्गा, हाँ ये दोनों ने एक साथ ही बोला माँ दुर्गा सबसे पहले याद आती है, और सामने ही है किस तरीके के वहाँ के घर, देखो भाई ये है पश्चिम बंगाल कुटीर, और ये दो बैलगाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, अलग अलग तरीके की, बंगाल में भी बहुत सारी बैलगाड़ियाँ चलती हैं, और सामने है माँ दुर्गा, ये देखो भाई, जय दुर्गा माई की, और दुर्गा पूजा होती रहती है, मैंने व्लॉग भी बनाए हैं काफ़ी सारे, और ये पूरा मतलब इस तरीके से बना रखा है यहाँ पे। वाह यार, वो बैलगाड़ी और दिखाई दी है, एक बैलगाड़ी ये है, एक बैलगाड़ी ये है, और आगे चलते हैं, ये है नागालैंड पहुँचेगा भाई, नागालैंड में ये क्या है यार, इतना मतलब आगे ऐसे बना रखा है ये, ठीक है, निशानेबाजी करते थे ऊपर बैठ के, क्या कुछ तो होता होगा, कुछ तो होता होगा, और यहाँ पे इस तरीके के घर होते थे नागालैंड में, लेकिन उस समय में इस तरीके के घर होते थे, और गांव जो होता था वो इस तरीके का होता था देखने में। तो भाई नागालैंड के जो घर होते थे ना जंगलों के बीच में होते थे, तो वो लोग अपनी सुरक्षा के लिए ना ये रखते थे, ये देख रहे हो भाई, ये धार एकदम खतरनाक तरीके से, ये एक्चुअली जानवर वानवर से बचने के लिए होता होगा उस समय में, और अगर कभी जानवर आ जाए तो इससे अपना बचाव करते थे, सही लग रहा है भाई देखने में। तो भाई घूमते घूमते अब हम दोनों पहुंच गए हैं उड़ीसा, भगवान जगन्नाथपुरी के दर्शन करेंगे हम, भगवान उड़ीसा में भगवान जगन्नाथपुरी के भी दर्शन हो जाएंगे। फिलहाल ये है उड़ीसा का प्रांगण, और इस तरीके के उड़ीसा के घर होते थे भाई पहले, ये देख रहा बीच में रखा है मटका, मटका ही बोलेंगे क्या, ये बीच में मटका है, आंगन में जाएंगे, आंगन में जाएंगे भाई, आंगन में चलो पहले, ये आ गए भाई आंगन वाले एरिया में, समझ रहे हो, घर के अंदर घुसे और आ गए हम आंगन वाले एरिया में, और यहाँ पर आराम से अपना बैठो, चाय वाय पियो, और यहाँ पे चूल्हा लगा के रोटी बनाओ, तो वो बनाते होंगे उस समय पे, इस तरीके का ही होता होगा, मतलब ये हमारा हम देखते हैं सोच, इसीलिए ऐसा बना रहा है, इसीलिए ऐसा बना रहा है, लेकिन लग बड़ा मस्त रहा है, देख के समझे कि कैसा था। पार्किंग एरिया में आ गए हम, ये है पार्किंग एरिया, ये देखो भाई बैलगाड़ी खड़ी करने के लिए ये पार्किंग है, अभी हम यहाँ गए थे, उधर आंगन था, और यहाँ से निकल के आए हैं इस जगह पे आ गए, ये BMW है और ये ऑडी है, उस जमाने की BMW ऑडी है भाई, ये हर किसी पे नहीं होती थी, तो फुल पार्किंग एरिया वहाँ रखा है उड़ीसा वालों ने अपने लिए, औरों की बैलगाड़ी तो भाई बाहर खड़ी है इन्होंने पार्किंग में खड़ी कर रखी है। और अब हम आ गए हैं गुजरात, बहुत बढ़िया, मतलब वहाँ से चले 2 कदम आगे बढ़े गुजरात, देखो 15 मिनट, ये देखो चौथे पाँचवें स्टेट में घुसे, ये आ गए गुजरात में बन्नी हट इनको बोलते थे, ये है वो बन्नी हट, इस तरीके की होती थी बन्नी हट, और इसमें भी उसी तरीके की घास से वो बना रखा है, और यहाँ पे एक मटका रखा है पानी वानी पीने के लिए, और बन्नी हट में गेट जो लगा हुआ है वो ये रहा भाई गेट, यहाँ पे लगा है ताला, गुजरात वाले भी ताला लगा के गए हैं भाई, गुजरात वाले भी ताला लगा के हर जगह ताला लगा है, हमें कोई मिल नहीं रहा है फिलहाल, गाँव से निकल के शहर में भाग गए, इस वजह से गाँव में ताले लग गए, ये है मेन बात, गाँव से निकल के लोग भाग गए ताला लगा के, चाबी किसके पास है पता नहीं है, चाबी मिल जाए तो हम चालू कर दे प्रोसेस। गुजरात वाले जो घर होते थे वो इसी तरीके के होते थे, मतलब हर स्टेट का ना एक अपना अलग ही एक घर बनाने का तरीका एक अलग ही था, एक अलग सोच से, बिल्कुल एक वहाँ के वातावरण के हिसाब से अलग तरीके से बनाते थे, जैसा एटमोसफेयर उस तरीके के घर, क्योंकि गुजरात में भी गर्मी बहुत होती है, तो ये जो छत है ना ये गर्मी से भी बचाती है।
मेमोरियल स्टोन और इस तरीके के कुछ बर्तन रखे हैं यहाँ पे। एक बार बर्तनों में चेक कर लेते हैं कुछ मिल जाए। बिल्कुल देखो खाली है, खाली क्या है, इनमें तो मगड़ियाँ रह रही हैं, जाल बना हुआ पूरा। आई थिंक ये ना पहले गेहूं अनाज वाला, हाँ ये उस टाइम में के लिए ना अनाज रखने के काम आते थे ये बर्तन। बिल्कुल ये है, ये भी है एक, और यहाँ पे एक ये है और एक, मतलब इतना सारा अनाज अगर इकट्ठा करना हो तो कहाँ करेंगे, ये है यहाँ इकट्ठा करो। तो गुजरात के ही हम बैक साइड में हैं, वो रहा गुजरात का छोटा सा घर, छोटी सी कुटिया, और यहाँ पे मेरे को दिखाई दे गया एक मैरिज पिलर, इसको बोल रहे हैं भाई मैरिज पिलर, गुजरात का मैरिज पिलर है। तो भाई जो लोग गुजरात से हैं ना वो लोग मुझे बता देना, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैसे मैरिज पिलर होता है, क्या इसका यूज़ होता होगा, शादी में ही होता होगा वैसे तो जब मैरिज लिखा है, तो इस तरीके का पिलर दिखाई दे रहा है भाई। ये रहा मैरिज पिलर सामने, महर कुटीर तरीके का भाई यहाँ पे ये बना हुआ है घर। पहुंच गए हैं निकोबार कुटीर, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वहाँ पे किस तरीके के घर होते थे, किस तरीके की कुटिया होती थी। तो ये वाला जो घर है ना ये बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दिया है अभी तक, जितने भी घर हमने देखे हैं ना संदीप और मैंने, जितने भी घर देखे हैं अभी तक, ये भाई सबसे डिफरेंट नजर आया है हमें। ऐसा घर मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, फोटो वीडियो में भी नहीं देखा है ऐसा घर पहली बार देखा। और आप सोच रहे हो कि यार ये घर कैसा है नीचे, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रहने की जगह कहाँ है। आओ ये देख रहे हो भाई, यहाँ से ऊपर जाएंगे, सीढ़ियाँ लगी है, नीचे तो कुछ भी नहीं है रहने का, यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना है और ये आ गए भाई ऊपर हम निकल गए, ये है रहने का। तो इस जगह पे बनाया हुआ है रहने का, यहाँ पे रहते थे और ये कुछ इस तरीके का है भाई, अंदर से दिखने में मस्त लग रहा है देखने में एकदम, अंदर जा नहीं सकते हैं फिलहाल, यहाँ पे तो ये लगा हुआ है। ये घर देखने में ना बिल्कुल डिफरेंट नजर आया हम दोनों को, क्यों भाई नीचे से उठा हुआ, उठा हुआ आइलैंड में घर शायद ऐसे ही बनते होंगे क्योंकि आइलैंड है अंडमान। ये भी बात सही कह रहे हो भाई, पानी बाढ़ ज़्यादा आती है वहाँ पे, पानी भी ज़्यादा होता है तो इसलिए वो लोग ना पानी से बचने के लिए इस तरीके के मतलब नीचे से उठा के बनाते हैं भाई, ये लॉजिक हो सकता है, ये हम लोग सोच रहे हैं और ये लॉजिक भी हो सकता है। और एक और है यहाँ पे वो दूसरा है ये वाला, ये क्या है असम, असम का राबा। तो भाई लो असम पहुँच गए हम यहाँ से, ये है असम, असम का राबा हंड। तो असम में जो घर बनते थे वो इस तरीके के होते थे, ये देख लो भाई ये चिड़िया भी उड़ रही है यहाँ। तो तमिलनाडु पहुँच गए, ये कुछ अलग टाइप का है और इसका गेट भी अलग टाइप का है, छोटा सा गेट, अच्छा छेट छोटा सा है, मैं सोच रहा हूँ ये पूरा खुलेगा लेकिन भाई गेट तो ये है इतना छोटा सा, इतने तो फिर लोग कितने बड़े होते थे यार, लोग भी छोटे छोटे होते होंगे, इतना छोटा गेट है उतना छोटा ताला है। और आई थिंक इसमें ये साइड से अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये भी सॉलिड वाली जो मोटी घास होती है उससे बना हुआ है। अभी तक इतने सारे घर हम लोगों ने देखे, अभी और आगे चलते हैं, देश देख चुके हैं। चलो भाई मतलब इंडिया में रह के और दिल्ली में रह के हम गाँव में घूम रहे हैं, गाँव में घूम रहे हैं, कई कई शहरों में राज्यों में घूम चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर भी है यहाँ पर, जम्मू कश्मीर में कैसे घर होते थे, जम्मू एंड कश्मीर कुटीर। तो ये देख लो भाई ये रहा जम्मू एंड कश्मीर कुटीर, ये देखो भाई जम्मू एंड कश्मीर कुटीर लिखा है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके के घर होते थे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में यार ऐसे कहाँ होते होंगे यार, पता नहीं है ना, है शायद हो सकता है बने हो पहले कुछ ऐसे रहते हो, क्योंकि मेरे को थोड़ा डाउट है इस तरह बर्फ़ पड़ती है तो जम्मू कश्मीर में समझ नहीं आ रहा, ये एक ये है और उसमें कुछ इस तरीके के हैं घर पे भाई बने हुए यहाँ पे। ये हवेली का दरवाज़ा राजस्थान, तो भाई ये है हवेली का दरवाज़ा और हवेली के दरवाजे कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं राजस्थान में, ख़ास तौर से इस तरीके के गेट दिखाई दिए होंगे, पूरी नक्काशियों से इसको बनाया हुआ है और काफ़ी सारी चीज़ें मतलब देखने को मिल रही है यहाँ पे अलग अलग। कि अभी हम पहुँच गए एक ऐसी जगह पे अंदर फोक डांस, डांस करने का भी मौका मिल गया और यहाँ पे एमपी से आए हैं जो लोग यहाँ पे फोक डांस कर रहे हैं एमपी का, तो बहुत बढ़िया भाई आप लोगों ने बहुत अच्छा बजाया, बहुत अच्छा मतलब फुल एंटरटेनमेंट हो गया फिलहाल। तो यहाँ पे लिखा है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में जो साड़ियाँ वगैरह मिलती हैं वो इस तरीके की साड़ी
मिल जाएगी। और यहाँ भी कुछ मिल रहा है बिहार, ये बिहार का है। लो भाई ये तो तुम्हारे स्टेट पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे स्टेट पहुँचे हुए हैं। अब देखिए ये देखो भाई पहुँचते पहुँचते संदीप के स्टेट भी पहुँच गया बिहार। और बिहार के बारे में ना संदीप ज़्यादा जानता है। सिक्के की जो घास, सिक्के की घास से बनती है, सिक्के की घास से हाँ कैसे बनाते हैं चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ है ना, ये चूड़ियाँ है और ये शायद आई थिंक लटकाने वाले हैं ना ये। भाई ये एक तरीके का कपड़ा है कैनवास, ये देखो, और उसके ऊपर ये पेंटिंग बना रहे हैं और ये डॉट 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 करके वो लाइव पेंटिंग वहाँ तो भाई बना भी रहा है। बहुत बढ़िया लग रही है। अगर घर में लगानी हो इस तरीके की पेंटिंग वगैरह तो लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बड़ी भी है छोटी भी है। अलग अलग नदियों से लेके आके स्टोन और फिर सेंस लगा के और उस पेंटिंग को बनाना, मतलब एक अलग ही तरीके का डिफरेंट लेवल है। कितनी सुंदर पेंटिंग है और सब स्टोन से है। वाह ये देखो यहाँ पे ABCD ये टीचर पढ़ा रहा है सामने। ये स्कूल है भाई और देखो स्टूडेंट बैठे हैं। माय टीचर रॉक भैया। बहुत अलग तरीके की आर्ट देखने को मिली है, मैंने आज तक नहीं देखी। फिलहाल स्टोन से बनी हुई सबसे अलग चीज नजर आई है अभी तक देखने में। बहुत देखी कभी 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 सोचा कि मतलब पत्थर से भी पेंटिंग बनाई नहीं। मेरी नजर इस पे जा रही है वो है क्रिकेट वाली, ये वाली ये देखिए भाई ये क्रिकेट वाली जो पेंटिंग है ना ये इन्होंने बनाई है वो भी स्टोन से। ये अलग अलग जगह से स्टोन लाए हैं। आशीष एक चीज नोटिस किया, यहाँ कितनी शांति है यार। शांति तो है और भीड़ बिल्कुल नहीं। अभी तो नहीं है मतलब सैटरडे के हिसाब से। हाँ वीकेंड पे भीड़ होनी चाहिए, लोग आना चाहिए। ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। और भाई बच्चों को दिखाओगे ना, बच्चे लोग तो भाई आज की पीढ़ी तो पता ही नहीं उनको कैसे कैसे घर होते थे। बच्चों को तो बहुत जरूरी है दिखाना कैसे कैसे घर होते थे। मध्य प्रदेश में कैसा था, गुजरात में कैसा था, राजस्थान में कैसा था, अलग अलग जगह के स्टेट में कैसे लोग रहते थे। आज हम रह रहे हैं बिल्डिंगों में फुल फैसिलिटीज के साथ। जरूरी है कि इन सब चीजों से अवगत कराएं, अपने बच्चों को दिखाएं, समझाएं कि क्या क्या चीजें हैं भारत में। पूरे भारत को एक जगह पे देख लोगे सब। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बनाई जाती हैं, उनमें से एक है आयरन से बनाई हुई। सब लोहे से बनी हुई है ये। और आई थिंक ये भी लोहे का है। सब लोहे का है भाई यहाँ पे। ये देखो ये सामने, ये भी लोहे का है। चरक्कू पोत केरल का, इसमें खीर वीर बनाने के लिए। ये देखो भाई ये है वो, इतनी बड़ी, मतलब कितने लोग खाते होंगे यार खीर। मतलब हम बनाते हैं इतनी सी और ये कितने महीने चल जाएगी हमारी। हमारे लिए तो क्या ही, पूरे गांव के लिए बनाते होंगे। पूरे गांव के लिए बनाते होंगे, मतलब किसी की शादी वादी है कुछ है समारोह है ना। भाई बैलगाड़ी ले ली है और चल रहे हैं मेट्रो। यहाँ से प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन सबसे पास में सुप्रीम कोर्ट का, वहीं से हम लोग भी आए हैं। तो ये बैलगाड़ी में सोच रहा हूँ इसमें कई सारे लोग बैठ जाएंगे। संदीप आ जाओ, सबको लेके आते हैं। कई सारे लोग इसमें बैठ सकते हैं और सवारी है फ्री, क्योंकि डीजल ऑयल कुछ लग ही नहीं रहा है। फ्री सवारी, फ्री सेवा है भाई। ये बैलगाड़ी ले ली है, एक बैलगाड़ी वो ले ली है, हमने दोनों बैलगाड़ी ले ली है। तो भाई संदीप इंतजार कर रहे हैं अपने दोस्तों का और दोस्त आ गए हैं। तो गांव में देखो भाई किस तरीके से, पहले यही होता था ना तरीका तो मेन। तो संदीप भाई करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव में लोग इंतजार करते थे अपने दोस्तों का, अपने परिजनों का, जो रिश्तेदार वगैरह आ रहे हैं। क्यों भाई ऐसे ही चबूतरे पे बैठ के बैठक होती थी, यहीं पे पंचायत लगती थी, ये वो जगह। किसी से अनजान नहीं, कोई शहरों की तरह नहीं, मतलब ग्रामीण जीवन भी एक अलग ही तरीके का था भाई। उस समय में सुविधा नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, लाइट नहीं थी और बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आ गए भाई। अब तो मोबाइल नहीं था, मेन था मोबाइल नहीं था, एंटरटेनमेंट था ही नहीं। प्राकृतिक चीजें, पेड़ पौधों के नीचे बैठो आराम से, ये इतने पेड़ पौधे हैं, क्या ही करना है। तो ये है वेलकम टू म्यूजियम गैलरी और अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। पूरा डेमोंस्ट्रेशन है और कैसे लोग रहते थे। ये देखो भाई ये लगी है सब्जी मंडी और यहाँ पे लोग खरीदने आ रहे हैं। ये सब्जी मंडी है और ये तो कुछ सब्जी मंडी में फल वल बेच रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ चीज़ें बेच रहे हैं सब्जी वगैरह। ये देखो भाई इस तरीके से सब्जी मंडी लगी हुई है। कोई अपना किसी काम से जा रहा है, कोई अपने किसी काम से जा रहा है, बच्चे को लेके जा रहा है। मतलब इस गैलरी में हमें ये देखने को मिल रहा है और ये बना हुआ है घर। यहाँ पे मेटल क्राफ्ट का कुछ है लगा हुआ कि पहले के लोग किस तरीके के मतलब ज्वेलरीज पहनते थे। ये ज्वेलरीज है पहले के लोगों की भाई। और ये देखो फिर एक और यहाँ पे दिखाया डेमो कि किस तरीके के घर होते थे, लोग कैसे कैसे मतलब कपड़े पहनते थे। यहाँ भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे भी दिखाए गए हैं हाथी घोड़े और ये सब चीज़ें हैं नेक्स्ट वगैरह। भाई आगे एक और जगह आ गए, अब हम आ गए भाई। ये कहाँ गए अब हम भाई साहब? यहाँ तो अब मैं जिस जगह खड़ा हूँ ना, ये है भूतिया एरिया कर्नाटक में। उनके जो भूत पिशाच होते थे वो कैसे दिखते थे पूरा यहाँ पे दिखाया गया है। ये हम पहुँच गए भूतिया इलाके में। संदीप
डर तो नहीं लग रहा है भाई? अरे भाई मुझे डर लग रहा है। ये भूत ही एरिया में पहुंच गया और यहाँ पे भूत ही भूत नजर आ रहे हैं। ये देखो भाई, भूतों के राजा से मिलेंगे। भूतों के राजा भी हैं यहाँ पे। आओ, ये भूतों के राजा। ओ भाई मेरे, ये है भूतों के राजा। सामने आप देख रहे हो, ये है भूतों के राजा, खतरनाक है। और ये सारे भूत है खतरनाक। ये देखो भाई, ये सब के सब भूत है भाई। ये देखो भाई, भूतों के राजा की बहुत बड़ी यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है, खतरनाक। ये सब भूत है, भूत। टेक्सटाइल गैलरी है, तो टेक्सटाइल की गैलरी में देखते हैं क्या हमें मिलता है। ये सब प्राकृतिक हैं सारी चीज़ें, और उनसे फिर ये कलर बने हैं। इन चीज़ों से ये कलर बने हैं, और इन कलर से धागे हैं, ये सब धागे बने हैं तरीके से। साड़ी है ये उड़ीसा की, ये वाली, ये मशीन है जिससे बनता है, सूत काटे वाली है ना, इस मशीन से बनते हैं भाई कपड़े। ये साड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, ये देखो भाई, ये सब चीज़ें जो कपड़े बनते हैं वो उस मशीन से बनते हैं। कुछ इस तरीके के कपड़े भी दिखाई दे रहे हैं जो मशीनों से बनाए जाते हैं, और यहाँ दिखाया भी गया है कि कैसे ये लोग बनाते हैं, सामने बनाते हुए दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये रखी भी है, ये घर के अंदर बैठ के ये सब बनाई जाती है। ये राजाओं की पोशाक लग रही है देखने में। ये है एक, और ये है। इस साइड में हम जा रहे हैं वाली गैलरी के अंदर। चलो भाई देखते हैं गैलरी में क्या है। वाह भाई, अब हम एक और गैलरी के अंदर आ गए। ये क्या बाकी पैरी की मूर्ति है क्या? कृष्ण जी की मूर्ति लग रही है भाई ये तो देखने में। पीछे है राम लक्ष्मण और सीता जी, और उसी के आगे बैठे हैं हनुमान जी। ये मूर्ति यहाँ पे दिखाई दी है। तो भाई यहाँ रावण की मूर्ति भी दिखाई दे गई है। जैन गृह मंदिर गुजरात 80वीं सदी का, ये है भाई इसका डेमोन्स्ट्रेशन जैन गृह मंदिर का। तो भाई यहाँ सामने एक गुजरात की हवेली देखने को मिली, और बहुत ही मतलब सुंदर हवेली है। ये है वो हवेली, यहाँ पर लाइट वाइट भी लगी हुई है। आई थिंक अंदर जाने का तो पता नहीं है यार, और ऊपर भी है भाई। आई थिंक ये रूम वगैरह होगा, ऊपर तो जाने नहीं दे रहे हैं। तो ये है झरोका, जहाँ से रानियाँ बैठ के और बाहर के दृश्य को देखती थी। मतलब रानी को कोई नहीं देख सकता था। हाँ, रानी को कोई नहीं देख सकता था, रानी तब को देख सकती थी। लेकिन तो इस तरीके से बनाते थे। गजब है यार ये चीज़ भी। ये देखो अंदर से बैठ के आराम से देखो, ये है और गजब है मतलब। तो अब हम नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम के बाहर आ गए हैं, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा आ गया, आप लोगों को भी आया होगा जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। दिल खुश हो गया, मज़ा तो उनको पैसा भी वसूल, फ्री में घूमना, गांव गांव शहर से बहुत दूर, शांति जैसे इलाके में आके आप घूमने का जो मज़ा ले सकते हैं ना, ऐसा मज़ा कहीं नहीं मिलेगा। सही बात, और वो भी निःशुल्क, फ्री फ्री है बिल्कुल। आओ आराम से घूमो और गाँव के मज़े लो, और गांव को फील करवा करके कि कैसे हमारे जो इंडिया में गांव होते थे उस समय पे, विलेज एरिया कैसा होता था वो आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। हमें तो बहुत मज़ा आया, लोगों का रहन सहन कैसा था, ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिली, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और बिना एंटरटेनमेंट के ज़िंदगी कैसे होती थी वो हम लोगों ने फील करा है। और इतनी जगह तो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा पता नहीं, लेकिन हाँ एक जगह रह करके इतनी जगह घूम भाई बहुत है ना। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आएगा तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।